ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ठंड है। एंड यहाँ आप देख सकते हो, देखो कितने सारे लाइन गाड़ी के। बट दो दिन के बाद ये रास्ता पर टोटली खुल जाएगी और ये जो हाईवे है ये आपका कारगिल लद्दाख के लिए जाने का जो रोड है यही है। वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स बीन 5 days। मैं फ़िलहाल कश्मीर में जो सोनमार्ग और कारगिल के बीच में 5 दिन से हूँ यहाँ पे। और कल ही मैंने कल इवनिंग मैंने शिफ्ट करा लिया है। मैं अपना ये जो यूथ हॉस्टल है ये है आपका सोनमार्ग में है यूथ हॉस्टल और काफ़ी मज़ेदार है। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका योर हॉस्टल। अब जब भी कभी आप सोनमार्ग से आते हो तो आपको राइट हैंड साइड में आपको दिखेगी। आप जब कभी जो बाइक राइडर्स होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं, कोई भी होता है, तो आप जब भी आते हो तो आपको राइट साइड में ये आपको यूथ जो हॉस्टल है वो आपको दिखेगी यहाँ पे। तो फ़िलहाल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, अकेला रह रहा हूँ। फिर जब मैं अंदर जब गया काफ़ी बड़ा बड़ा रूम था, बिस्तर इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बिस्तर थे कि मतलब आपका हॉस्पिटल में जैसे रहते हैं एक 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 बिस्तर। हॉस्टल में तो नॉर्मली वैसे ही रहता है, लेकिन ये पहली बार मैं हॉस्टल देख रहा हूँ जो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। और सच बताओ मुझे बहुत डर लगा यार, मतलब मैं अकेला रह नहीं पाया। फिर मैंने भैया लोगों का कहा कि भैया जी मैं यहाँ पर शायद नहीं रह पाऊँगा यार, क्योंकि ये अकेला मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा इतना आदत नहीं है अकेले इतने बड़े बड़े कमरे पर रहना। हाँ, सिंगल या दो कमरा होता भी अलग बात है, लेकिन जब आपको अंदर में दिखाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है। बट अभी फ़िलहाल बंद है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। और पूरा हॉस्पिटल में जैसा एक तो लाइन वाले बिस्तर बिछा रहता ना, तो दिमाग में ऐसा रहता ना कि मैं सो रहा हूँ, कोई मुझे बिस्तर पर बैठे होकर देख तो नहीं रही है, तो वैसा ख्याल आता है दिमाग में, वैसा चीज़ है। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं यार, भले मुझे इतना रूम, बड़ा बड़ा रूम मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, सारा चीज़ मिल रहा है, बट मैं अगर मुझे नींद ही अगर अच्छे से नहीं आएगी तो मैं फिर कैसे रहूँगा। तो फिर भैया लोगों से कहा, वहाँ पे भैया लोग हैं, तो भैया लोगों से कहा भैया प्लीज़ आप मुझे अलाउ करें कि मुझे आपके जो रूम है यही पे मैं सोना चाहता हूँ यार। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर वो भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है यार आप आ जाओ, फिर नहीं तो फिर यहीं पर हमारे साथ ही रह लो, ऐसा ऐसा करके। तो मैं उनके साथ ही रह लिया, लंच भी उनके साथ एक साथ करेंगे, मार्केट से कुछ मीट वगैरह लेके आते हैं, वहाँ पे उनके साथ खाते हैं एक साथ। अब निकलेंगे ऐसे ही यहाँ वहाँ। ये बहुत बड़ा फील्ड है वैसे, बाय द वे बहुत बड़ा इलाका है, देख सकते हैं बहुत बड़ा इलाका है। ये साइड पर ये हाईवे है, उस साइड में है कारगिल और इस साइड में सोनमार्ग। तो सोनमार्ग में काफ़ी सारे टूरिस्ट फंसे पड़े हैं फिलहाल। अब नो आइडिया यार, यहाँ का कुछ रूल्स पता नहीं चल रहा है। रास्ता एक्चुअली जा सकते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हमें सुनना भी पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण से टूरिस्ट लोगों को वहाँ पे फिलहाल स्टे करने का दिया है, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले सकते यार। पहाड़ पे देख सकते हैं जैसे कि आइस अभी भी जमा पड़ा है, और वैसे तो कल से सूरज जो धूप है कल से लगातार निकल रही है, आज भी धूप निकली है, आज वेदर बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही कंटिन्यू दे। मैं इंटरनेट पर चेक किया था कि फोरकास्ट में देखा था कि कैसा है फिलहाल वेदर कैसा है, तो सोनमार्ग कारगिल के बीच में वेदर बहुत ही अच्छा है। आगे तो लद्दाख में कोई टेंशन नहीं है, लद्दाख में सारा चीज़ सही हो जाएगा। आगे वहाँ पे तो इतना बारिश वगैरह वैसा है नहीं, वहाँ पे ठंड है बट बारिश नहीं है वैसे। लेकिन यहाँ पे इस साइड में सोनमार्ग, कश्मीर, श्रीनगर, ये जो इलाका है अप टू सोनमार्ग या फिर उसके आगे द्रास तक, तो वहाँ पे पूरा स्नोफॉल बुरी तरह से, आप शायद न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा शायद, ये देख सकते हैं। वैसे ये वीडियो तो अपलोड मैंने बहुत लेट से किया है, आप अभी शायद देख रहे हो, बट वो शायद कुछ दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाया था और ये वीडियो आज आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे वहाँ पे मतलब करंट की प्रॉब्लम थी, बहुत इशू चल रही है। तो मैं आपको पास्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, बट ये आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना चुका हूँ। आगे मैं जहाँ पे था वहाँ पे करंट का थोड़ा इशू चल रहा था, वहाँ पे करंट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं, फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, फोर्थ एपिसोड, वहाँ पे मेरा जो एडवेंचर जर्नी कैसा रहा, राइड कैसा रहा, जो जर्नी के द्वारा मेरे साथ क्या क्या हुआ, किशनगंज पे रहा, पटना में, बिहार में क्या हुआ, और यूपी में क्या हुआ, दिल्ली में कहाँ रहा, सारी चीज़ें यार। तो वो चीज़ें सच बताओ यार,
मतलब जब दूर कभी आता हूँ ना तो घर का याद बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा याद है। जब अकेले कहीं जगह पे रहना पड़ता है, लोगों के साथ मिल बांट के रहना पड़ता है, या कभी मुझे रहने के लिए भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब अभी सीज़न ही चल रहा है इतना, तो होटल की कमी पड़ जाती है, तो मैं उस हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ सारी चीज़ें। कभी ब्रदर्स के वहाँ पे कैंटीन में रहा था, आज मैं इनके साथ एक साथ उनके साथ रह रहा हूँ, ये बड़ा सा यूथ हॉस्टल छोड़ के, क्योंकि यार यूथ हॉस्टल मेरे लिए ख़तरनाक है, मैं नहीं रह सकता इतने बड़े कमरे पे, तो इनके साथ ही मैं रह रहा हूँ। वहाँ पे मेरा टेंट फट गया था, पूरा स्नोफॉल हुआ था, टेंट फट गया रात के अंदर में, रात सो रहा था तो टेंट फट गया, वो भी अच्छा खासा डिकैथलॉन का टेंट था, वो फट गया। उसके बाद मेरा जो टेंट था वो तो दब गया, लेकिन वो जो जिसके वहाँ पे रह रहा था, स्टे कर रहा था, वहाँ पे उनका टेंट फट गया, तो उनको भी थोड़ा ख़राब, मुझे भी बुरा लगा। एंड क्या कह सकते हैं, नेचर का ये उनका ही ऊपर है सारा। और तो ऐसा चीज़ है दोस्तों, और पता नहीं और मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। मैं तो इतना सिक्योर नहीं कर सकता हूँ ना कि मेरे साथ बहुत अच्छे से जाएगा, मैं सारा चीज़ बहुत 100% चीज़ अच्छे से जाना चाहिए मेरे साथ, या होगा मेरे साथ, नहीं भी हो सकता यार, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सोलो राइडर हूँ, अब फिलहाल सोलो मैं अकेला आया हूँ, तो मेरे साथ कुछ भी, बहुत लोग कहते हैं कि आप कोई एक राइडर्स या दो राइडर्स आना चाहिए था, लाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। अब जब भी कहीं सोलो राइड करते हो तो अकेले, अब क्या कहूँ आपको, मैं अकेला आया तो, लेकिन अगर आप अकेले, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये कहना चाहता, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने साथ एक बंदे को लेके आइए, राइडर्स को लेके आइए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो बंदे या तीन बंदे लेके आइए, तब आपको भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी लाइफ में चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। जब अकेले अगर आओगे तो मैं आपको पहले से वार्निंग कर रहा हूँ, अकेले आने से सारा प्रिकॉशन सारे अच्छे से लेके आइए, सेफ्टी चीज़ लेके आइए, जो जो छोटी छोटी सामान, छोटे सामान जैसे कि कोलगेट से लेके, ब्रश से लेके, सारा चीज़ें। और यहाँ पे एक चीज़ है, ठंड है बहुत, तो होंठ फटती है यहाँ पे, ठीक है, होंठ फटती है, स्किन फटती है थोड़ी सी, तो उसके लिए आप क्रीम वगैरह ज़रूर लेके आइए, और वो चीज़ें हैं, ये तो छोटी सी बात है बट वही है, तो यही चीज़ है दोस्तों। अब और अभी जितने भी टूरिस्ट को जहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे रखे थे टूरिस्ट लोगों को, अभी धीरे धीरे टूरिस्ट लोगों को, मतलब वहाँ पे गेट है एक्चुअली, वहाँ से टूरिस्ट लोगों को मतलब बाई वॉक यहाँ पे ऐसे टहलने दे रहे, मतलब वहाँ ज़्यादा गाड़ी वाड़ी लेके आने नहीं दे रहे, वहाँ से लोग आएंगे पैदल पैदल करके यहाँ पे इंजॉय कर सकते, यहाँ पे इंजॉय कर सकते, वो देख सकते हैं सारे टूरिस्ट आए हुए यहाँ पे। और इसको क्या कहते हैं वैसे, जिपलाइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिपलाइन यहाँ पे शुरू हो गई है, यहाँ से बाय ऐसे वायर से ऐसे करके वहाँ पे वहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर रिटर्न। ठंड बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ठंड है बहुत ठंड है। और ये है हमारे भैया जी, इनके यहीं पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, जो ये यूथ हॉस्टल है, ये लोग पूरा देखभाल अच्छे से करते हैं, और एक साथ हम आज लंच भी करेंगे। आपका नाम बता दीजिए, फैज़ान, वाह ग्रेट, ये देख सकते हैं बच्चे, बहुत हवा चल रही है यार, तेज हवा चल रही है। और ये इसका जो चार्ज है इसका 400, यहाँ से ओनली वहाँ तक, उसके बाद फिर आपको वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, गाड़ी यहाँ तक रोक के फिर पैदल जाने को कह रहे हैं आगे तक, मतलब एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी मतलब एक दो जा रही है वैसे, बट इतना वैसे अलाउ नहीं कर रहे, तो लोग वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाके वहाँ पे जो जिप फ्लायर है, जिप फ्लायर का मज़े उठा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन चल रहा है फिलहाल, स्ट्रिक्ट है, बट दो दिन के बाद ये रास्ता पर टोटली खुल जाएगी। और ये जो हाईवे है, ये आपका कारगिल लद्दाख के लिए जाने का जो रोड है, यही है उस आगे सोनमार्ग और यहाँ पे कारगिल, तो बस वही अभी धीरे धीरे अलाउ कर रहे हैं। और मैं भी खुशी इस हिसाब से हो कि मैं भी अपना जो बाइक है, मैंने बाइक को यहाँ पे रखा है एक्चुअली, कल शाम को जो आया था तो मैंने बाइक को यहाँ पे रखा है, बहुत सेफ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी है देखभाल करने का सब कुछ है, यहाँ पे गेट कीपर्स वगैरह है, और वो जो मेरा है, मेरा जो यूथ हॉस्टल है वहाँ पे रह रहा हूँ मैं, सो ये चीज़ है। अब बाइक को थोड़ा सा आगे तक ले जाके, मुझे कुछ सामान लेने जाना है, वहाँ तक मैंने छोड़ के आया, यार फट गया यार, फट गया। एंड यहाँ आप देख सकते हो, देखो कितने सारे लाइन गाड़ी के, सारे टूरिस्ट, और ये सब भी देखते ट्रक्स वगैरह भी है, एंड आप पीछे तो बहुत सारे टूरिस्ट लोगों की गाड़ी है। तो मेरा टोटल जो सोनमर्ग में मेरा स्टे करना हुआ, वो टोटल मेरे 9 दिन हुए, और 9 दिन के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे मैं लद्दाख के लिए निकलता हूँ। और अच्छा बुरा दोनों ही गया,
और आपको वीडियो देख के पता ही चल रहा होगा शायद कि मेरा जो दिन था वो कैसा गया, टेंट टूटने से लेके और नए नए लोगों से जो मिलना जुलना सब कुछ।